हम अपना काम कर लेंगे। केज बनाओ यार, अभी बन रहा है, बन रहा है भाई भाई। अरे भाई तुमने अभी तक केज नहीं बनाई है तो वैसे ही पड़ा हुआ है। हर चीज तो तुम्हारे पास अवेलेबल है यार, हर चीज अवेलेबल है गाइस इसके पास। खैर यार, वो सामने वाले से जिससे रेत लेनी थी वो तो आया नहीं, लेकिन मैंने उसका एक और भी जुगाड़ किया। ये भाई बंदा है ये हमारा, इससे मैंने सुबह जो है बात की है। इसने कहा यार रेत का इशू नहीं है, हमारे घर पड़ी है, सिर्फ हमें लेने जाना होगा वहाँ पे। अच्छा, तो अभी मैं और अब्बास जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ये रेत लेकर आते हैं और इंशाल्लाह केज का काम शुरू कर देंगे। भाई साहब आप बस जो है ना हमारी वाइट कढ़ाई पे आ रहे हैं। तो भाई साहब अदादार भाई रेत लेने जो वो किसी गांव में जा रहे हैं, वो आपको व्लॉगिंग करते रहेंगे, साथ साथ मोबाइल लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या ये इंतजाम कर पाता, नहीं तो जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो यार अभी जो है हम अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहां से हमने उठानी थी मिट्टी, और आप यार देखें क्या ही मतलब सीनिक यहां पे एनवायरनमेंट है, मतलब फुल देहात टाइप क्या देहात ही है। खैर वो अब्बास भाई मिट्टी लेने गए हैं तो उन्होंने मुझे यहां पे बिठाया है कि आप बैठें भाई, मैं जब तक जो है मिट्टी लेकर यूं गया और यूं आया। फाइनली अब्बास भाई हमारे जो है वहाँ से रेत लेकर आ गए थे और हम वहाँ से निकल गए हैं। आप ये देखें जी, ये हमने उठा ली है। मुझे लगता है कि यार ऐसा ना हो हमारा काम शुरू होने से पहले ही जो है रात हो जाए, क्योंकि मैं सारे दिन इंतज़ार करता रहा, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं यार, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा मौसम जो है बेहतर हो जाए तो हम काम शुरू करेंगे। खैर अब्बास भाई आप जल्दी चलें, बस पहुँचें और काम शुरू करना है। चौथा लगा दें। तो यार फाइनली अदादार जो है वो रेत लेकर आ गया। कहाँ से लाए भाई? भाई इनके घर से उठवा दी भाई आपने, क्या बात है यार। इसके बाद कढ़ाई खाने को मिलेगी, टेंशन नहीं लो तुम। तो यार अदादार जो है वो रेत लेकर आ गया। रेत है, सीमेंट है, रेत है। अब्बास आ जाओ यार, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, ये उठवा लो ना भाई से। क्या हुआ है? इसको ऊपर रखना है। कोई बात नहीं, गबरू जवान है भाई सारे, क्या पता मैं काम के दौरान थक जाऊं। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ भाई, ये सीमेंट लेके आ रहे हैं दोनों जवान हमारे। ऊपर ऊपर से खींचो, ऊपर से। क्या कर रहे हैं जरदार? तो मैं थक गया भाई। तो यार यहाँ पर काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। चैलेंज पूरा कर रहा ना काम वाला। जी जी बिल्कुल। पहली ईंट लगाई जा रही है बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये एक और ईंट इसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। मैं कर दूंगा, तुम टेंशन नहीं होगी भाई, नहीं होगी। भाई साहब आपने खड़ी तो कर देनी है, इसके बाद ये ना हो बिल्ली है, फाजिलपुर की बिल्लियां भाई समझो शेर होती हैं, ठीक है, वो शेरों से कम नहीं होती, वो एक पंजा मारे और ये गिर ना जाए, बस ये ख्याल करना है आपने। एक मर्तबा इसे बनने दो, ठीक है, उसके बाद छत पे आपको बिठा के टेस्टिंग करनी है। ओहो क्या हो गया, क्या हो गया भाई? पहली हमारी दीवार जो है वो आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चैलेंज इसके लिए ये है भाई, इसने ये तो खड़ा कर लिया, इसके ऊपर कैसे लाएगा अभी देखना है। मुझे लगता है अज़ादार जो है वो चैलेंज हारने की कगार पे है, और ये जो नुकसान किया है इसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी और वाइट कढ़ाई भी खिलानी पड़ेगी। सुन रहे हो? इसका क्या नुकसान भाई? सीमेंट ज़ाया किया है तुमने, मटेरियल ज़ाया किया है, कितना इससे कैसा वीआईपी पिंजरा बन सकता है? मतलब तुमने हार मान ली? मैंने कब कहा, अभी तो बोला तुमने। वो जाया कैसे किया ये बताओ। अच्छा अच्छा चलो देख लेते हैं भाई, क्या क्या कर लेते हो आप, देख लेंगे। अयान तुम्हें क्या लगता है बना लेगा ये? फाइनली पहली लेयर जो है वो अदादार भाई ने बना लिया, भाई मुबारक हो। अब भी आएगा थोड़ी देर में मोमेंट ऑफ ट्रुथ, क्या ये पैंतरा कामयाब होगा इसका, या ये चैलेंज जीतेगा या ये चैलेंज हारेगा, अगर ये खड़ी कर भी लेता है। अगर ये दूसरी लेयर भी खड़ी कर देता है ना यार, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके ऊपर तीसरी लेयर खड़ी कर पाएगा। क्या आन होगी? जप हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। जप हो जाएगी। क्या बोल रहे थे आप? ये नहीं लगेगी मेरी भाई, समझा करो गाल। समझा करो गाल भाई। दूसरी लेयर जो है वो अज़ादार ने चढ़ा तो दी है, अभी इसके ऊपर आनी है तीसरी लेयर। तो शबाज भाई बोल रहे हैं कि ये नहीं लगेगी, अब्बास भाई और अज़ादार भाई बोल रहे हैं कि मैं लगा लूंगा। तो जीतेगा तो आपका भाई इंशाल्लाह। अज़ादार भाई नहीं बनती क्या? बनेगी भाई, बनेगी, थोड़ा सा सब्र करो। कितनी देर? सुबह का तो लगे हुए हो।
अबे अभी तो शुरू किया, आधा घंटा हुआ है भाई। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, जदार भाई ने क्या वो लेयर लगा ली होगी दूसरी जो वो लगा रहा था, या वो चैलेंज जीता है या वो हारा है? चलते हैं जदार भाई के पास और देखते हैं क्या उन्होंने वो लेयर लगाई है या नहीं। तो 1 2 3 तो यार इस बंदे ने दोस्तों तीसरी लेयर भी लगा ली है यार। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं जो है वो चैलेंज हारने वाला हूँ। आपको क्या लगता है जदार भाई? भाई मैं तो पहले से ही श्योर था कि मैं ही खटूंगा। है तेरी कह रहे, आपको यकीन नहीं था। तो ये देखे दोस्तों, ये 3 ईंटों तक लगा लिया इसने, बोला अभी ये सूखेगी। भाई मेरे साथ एक और एक्सपर्ट होता मेरी तरह, तुम्हारी तरह कोई नूब ना होता, तो ये 3 की जगह हम 6 लेयर्स कर चुके होते ऑलमोस्ट। अब अकेला बंदा कहाँ कहाँ जाए, समझ रहे हो ना? जी जी, ये वजह है। तो खैर ये अब जो है वो सुबह इसके ऊपर मजीद काम किया जाएगा। अभी ये है कि बिल्कुल लेवल के साथ इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।